कानपुर देहात की जिलाधिकारी नेहा जैन एक बार फिर से विवादों में फंसती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यह वही डीएम है जिनका नाम कानपुर अग्निकांड में चर्चा में था। इन्हीं के आदेश पर कानपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी और उसी कार्यवाही के दौरान आग में जलकर माँ बेटी ने अपनी जान गंवाई थी और तभी से जिलाधिकारी नेहा जैन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि डीएम नेहा जैन का विवादों से कुछ गहरा ही नाता है और इसी वजह से एक बार फिर से जिलाधिकारी महोदया विवादों में हैं। दरअसल डीएम नेहा जैन ने 1 मार्च को अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आदित्य शुक्ला का आरोप है कि डीएम ने जन्मदिन के केक पर त्रिशूल और भगवान शिव की छवि को बनवाया था और उसी केक को कटवाया भी था, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके अलावा हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आदित्य शुक्ला ने जिलाधिकारी नेहा जैन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें भी कल के दिन हमें बुलवाया गया धोखे से कार्यालय के अंदर और 6 घंटे में बंधक बनाया गया। मेरा फोन भी छीन लिया गया, मुझसे बहुत बदसलूकी की गई। बंधक बनाया डीएम मैडम ने, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पर मुकदमे लिखवा देंगे, जो तुम्हारे पुराने पर हमने जो मुकदमा कंडक्ट कराया उसमें भी हम तुमको जिला बदर कर देंगे, नए मुकदमे लिख जाएंगे। तुम खून जो उस तरीके से बात की गई, हमारा चोरों के तरीके जैसे चोरों के साथ बिहेव किया था उसी तरीके हमारा बिहेव किया गया। हमारी बैग की तलाशी ली गई, हमारी तलाशी ली गई, मेरा फ़ोन खोल के देखा गया, हमसे जबरदस्ती पासवर्ड पूछा और मोबाइल मेरा आज सुबह मुझे प्राप्त हुआ है। आदित्य शुक्ला ने कहा कि सोमवार को जिलाधिकारी ने उन्हें बंधक बना लिया था और उनके मोबाइल की कॉल डिटेल भी चेक की गई थी। वहीं अपनी सफाई में जिलाधिकारी नेहा जैन की तरफ से एक लेटर जारी करते हुए कहा गया कि कुछ लोग 1 मार्च को उनके बेटे के जन्मदिन पर काटे गए केक को लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से भड़काऊ मैसेज किए जा रहे हैं जो बिल्कुल असत्य और बेबुनियाद हैं। 1 मार्च को उनके बेटे का जन्मदिन मनाया गया था जो कि एक भारतीय सुपर हीरो की थीम पर आधारित था। यह 2022 की एक भारतीय फिल्म ब्रह्मास्त्र पर आधारित था। उन्होंने कहा कि केक में लगी हुई फोटो जो कि एक सुपर हीरो को प्रदर्शित करती है, जिसका अर्थ बुराई पर अच्छाई एवं सच्चाई की जीत को दर्शाता है, जिससे बच्चों को अच्छी सीख मिलती है। कुछ लोगों के द्वारा केक को काटने आदि के संबंध में गलत तरीके से बताया गया और दर्शाया गया है। सभी से अनुरोध है कि किसी अफवाह में ना आए। डीएम नेहा जैन ने कहा कि हमारी किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है। अगर किसी को ऐसा प्रतीत होता है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।